अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बताने जा रही हूँ मटन चाकना। मटन चाकना के लिए मैं ली हूँ बोटी और इसके पैपा और थोड़ा सा चिकना। चिकने से भी ये टेस्ट बहुत अच्छा था। और ये वेट में है ये 1 किलो। और इसको हल्दी डाल के वॉश करना, इसकी जो स्मेल है नहीं आती है। अब इसमें डालेंगे 1 टीस्पून नमक है, 1 टीस्पून मिर्ची है, 1/2 टीस्पून हल्दी है और 1 टीस्पून अदरक लहसुन। अब इसमें दालों में 2 मीडियम साइज की प्याज और 2 हरी मिर्ची। हरी मिर्ची तेज़ है इसलिए मैं 2 डाल रही हूँ, अगर तेज़ नहीं है तो आप बढ़ के डाल सकते हैं। और 1 बंच पुदीना, 1 बंच कोथमीर। अब इसमें डालेंगे 2 से 3 तेज़पत्ते और थोड़ी सी काली मिर्ची साबित और कबाब चीनी। कबाब चीनी आप जहाँ नहीं मिलती वो लोग स्किप कर सकते। और ये पत्थर का फूल, ये मैं स्ट्रीट स्टाइल में बना रही हूँ, जो बाहर अक्सर एग्जीबिशन में मेलों में जो हम खाते वो। अब इसमें 1/2 गिलास पानी डाल देंगे। अब कुकर हल्दी में कुकर में ये डाल देंगे। अब उसको ढक्कन लगा देंगे, 5-6 सीटी होने देंगे। 5-6 सीटी होने के बाद 1-10 मिनट धीमे पे छोड़ देंगे। बोटी अच्छी से गल गई, अब उसको खुले बर्तन में पकाएंगे। अब हमको चाहिए 1 बड़ी साइज की प्याज को कट कर ली और 2 टी स्पून भर के अदरक लहसुन, 1 टी स्पून लाल मिर्ची, 1/2 टी स्पून हल्दी, 1 टी स्पून नमक। अब गरम मसाले में मैं ली 1 टी स्पून है ये शाहजीरा, 4-5 इलायची और इसके मुँह खोल दी, 4 से 5 लौंग, 2-3 दालचीनी के टुकड़े और थोड़ा सा पत्थर का फूल, 2 टीस्पून है ये धनिया पाउडर, रोस्ट करके पाउडर बने हुआ, 3 टेबलस्पून है ज्वारी का आटा। अगर आपके पास ज्वारी का आटा नहीं है तो आप गेहूं का आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं और गेहूं का आटा मैदा भी यूज़ कर सकते हैं। अब एक पैन ली मैं, अब इसमें डाली 4 टेबलस्पून ऑयल। अब इसमें प्याज को फ्राई करें, प्याज हमारे ब्राउन होना शुरू हो गए। अब इसमें डालेंगे अदरक लहसुन को ब्राउन कर लेंगे। तो अदरक लहसुन को हल्के से ब्राउन होना और कच्ची स्मेल जाना जब तक इसको फ्राई करेंगे। अब इसमें डालेंगे नमक, हल्दी और लाल मिर्ची और जो मैंने मसाले बताए वो मसाले भी डाल देंगे। अब इसमें मैं ज्वारी का आटा भी डाल दी, रिकॉर्ड नहीं हुआ। नमक मिर्ची हल्दी, नमक मिर्ची अदरक लहसुन जब डाली मिर्ची के बाद ज्वारी का आटा जो मैं रखी थी वो डाल दी, मगर रिकॉर्डिंग में नहीं आया। और ज्वारी का आटा डालने के बाद इसको भी अच्छे से भून लेंगे। अब इसमें डालेंगे 2 गिलास पानी। अब इसमें जो बोटी हम गला के रखे थे कुकर में वो डाल देंगे। अब इसमें डालेंगे कोथमीर और पुदीना और थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, इसमें कंसिस्टेंसी की थोड़ी गाढ़ी है, और 1/2 गिलास पानी ऐड करेंगे। चलिए इसमें अच्छे से उबाल आना शुरू हो गया, फ्लेम को धीमा कर देंगे। फ्लेम को धीमा करके 10-15 मिनट के लिए इसको ढाप के छोड़ देंगे। और नमक मिर्ची आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालना, लेकिन चाकना ज़रा चटपटा ही रहता। चलिए 10 से 15 मिनट के लिए धीमे फ्लेम पे मैं छोड़ दी, 10-15 मिनट के लिए इसको चेक करेंगे। एक करण फूल डालेंगे, मैं डालना भूल गई थी इसमें। 10 से 15 मिनट के बाद इसको चेक करेंगे। 10 से 15 मिनट टोटल 15 मिनट के लिए धीमे फ्लेम पे रखी। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बना और सारे घर में इसकी खुशबू महक रही। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बना, सारे घर में इसकी खुशबू महक रही। और इसको फ्लेम को बंद कर देंगे, फ्लेम को बंद करके डिश में निकालेंगे। और इसको आप खाली भी खा सकते गरम गरम, और ज्वारी की रोटी के साथ, गेहूं के फूल के साथ, और दम पे 2 मिर्चियाँ थोड़ी सी कोथमीर को देना। फ्लेम को बंद कर देंगे और डिश में निकालेंगे।
बिल्कुल आसान है, झटपट बन जाता और घर का बहुत अच्छा रहता। बाहर से खाने से अच्छा घर में बहुत साफ़ सुथरा ढंग से हम बनाते। और इसको आप गेहूं की रोटी, ज्वारी की रोटी के साथ या खाली भी खा सकते हैं और थोड़ा सा ये चटपटा ही मज़ेदार होता। चलिए, मेरी चाकनी की रेसिपी मुकम्मल हो चुकी है। आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।